पश्चिम बंगाल आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी इस घटना के बाद से लगातार हमलावर है। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सख्त कानून बनाने की मांग की जा रही है। इसी सिलसिले में ममता सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें नया बिल पेश किया, जिसका समर्थन बीजेपी भी कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। विधानसभा में आज दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश कर दिया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। इस विधेयक में दुष्कर्म और पीड़िता की मौत के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया। साथ ही इसमें दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को बिना जमानत के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है। विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विधेयक को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा में भाजपा विधायक शिखा चटर्जी, अग्नि मित्रा पोल और शुभेंदु अधिकारी ने भी अपनी बात रखी। इस बिल का नाम अपराजिता महिला और बाल विधायक 2024 रखा गया है। बड़ी बात यह है कि विधेयक के जरिए सिर्फ महिलाओं को नहीं बल्कि बच्चों को भी जल्द न्याय दिलवाने की कोशिश की है। इस बिल के अंदर कई बड़े और अहम पहलू है। इस बिल के मुताबिक रेप और हत्या के केस में फांसी की सजा होगी। इसी तरह चार्जशीट दायर करने के 36 दिन के अंदर मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा अगर कोई महिला एसिड अटैक का शिकार होती है तो उसे भी रेप की तरह गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा होगी। इस बिल का एक अहम पहलू ये भी है कि हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाने की बात कही गई है। बड़ी बात यह है कि अगर रेप जैसे मामलों में किसी भी संस्थान या फिर मीडिया द्वारा रेप पीड़िता की पहचान को उजागर किया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। अगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, बंगाल विधानसभा के इस स्पेशल सेशन में रेप के दोषियों को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा दिलाने का एक विधेयक पेश किया जाएगा। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी ममता सरकार के इस कदम का समर्थन करने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बीजेपी के एमएलए रेप के खिलाफ ममता सरकार के लाए गए विधेयक का समर्थन करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के अंदर भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्य के कानून विभाग के एक सूत्र ने कहा कि इस विधेयक में कुछ अनूठी विशेषताएं हैं। यह पहली बार है कि बलात्कार की घटना को हत्या के मामले के रूप में माना जाएगा और कानून के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। दूसरा, बलात्कार या बलात्कार और हत्या के सभी मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों में होनी चाहिए। विधेयक में यह अनिवार्य किया गया है कि अपराध की सूचना देने के 6 घंटे के भीतर पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जानी चाहिए और आरोपी को गिरफ्तारी के तुरंत बाद मेडिकल जांच करानी चाहिए। बीजेपी इस घटना के बाद से लगातार हमलावर है और होना भी चाहिए, पर पक्षपात क्यों? अपने शासित राज्यों में क्यों मौन रहती है बीजेपी? और चौंकाने वाली बात तो यह है कि समाचार, अखबार, शासन और सत्ता इन खबरों को लेकर बेहद उदासीन होते जा रहे हैं। मणिपुर में 2 साल पहले जिस तरह भीड़ ने 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी की थी, उसके बाद मीडिया और सत्ता का जो रवैया था वह डराने वाला है। देश की महिला राष्ट्रपति और मणिपुर की महिला राज्यपाल ने कोई सकारात्मक और जरूरी कदम नहीं उठाया। मणिपुर के बीजेपी के मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया। भारत के प्रधानमंत्री तब से अभी तक एक बार भी मणिपुर नहीं गए, लेकिन झूठ बोल रहे हैं कि मणिपुर में शांति है, जबकि अब भी मणिपुर में हिंसा जारी है और मेन मीडिया इस मुद्दे पर सरकार से सवाल करने में जानबूझकर विफल रहा। यह लोकतंत्र के स्तंभों की विफलता ही तो है जो अपराधियों को शक्ति प्रदान करती है। आगरा में इसी वजह से इंजीनियरिंग की एक छात्रा को बलात्कार की अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज कराने के लिए
निराश और मजबूर होकर निवस्त्र होना पड़ा ताकि वह एक सत्याग्रह की तरह संदेश दे सके कि जिनसे वह न्याय मांग रही है वह भी उसे नहीं सुन रहा है। इसलिए इसी तरह अपमानित होकर प्रदर्शन करना पड़ता है। इसी वजह से बरेली में दो लड़कों की इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि वो दिन दहाड़े 13 साल की नाबालिग लड़की को घर से उठा ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं और जब पुलिस में शिकायत करने की बात आती है तो गांव की पंचायत विरोध करने लगती है। परेशान होकर लड़की आत्मदाह कर लेती है। इसी वजह से एक आदमी पड़ोस में रहने वाली 8 साल की बच्ची को घर से उठा ले जाता है। वो बलात्कार करने के बाद उसे और उसकी माँ को जान से मारने की धमकी देता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध एक गंदी राजनीति का भी हिस्सा हो गया है। नेता न्याय के साथ नहीं बल्कि अपनी कुर्सी सत्ता को बचाने में लगे हुए है और मेन मीडिया को चिंता है कि कहीं उसको मिलने वाले सरकारी विज्ञापन कम ना हो जाए, कहीं सत्ता से संबंध खराब ना हो जाए, भले ही इसके लिए चाहे 50% आबादी का अस्तित्व ही क्यों ना खतरे में पड़ जाए। बड़े दुख की बात है दोस्तों, देश के सर्वोच्च नेताओं की आवाज सिर्फ तब सुनाई दी जब महिलाओं के यौन शोषण का मामला किसी ऐसे राज्य में आया जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। यहां तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी लग रहा है कि बहुत हो चुका। 2-3 दिन पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा पश्चिम बंगाल में TMC की सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रही। चलो मान लेते हैं ये सच्चाई है क्योंकि योगी जी कहते हैं उनके लिए महिला सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता होने के बावजूद यूपी के हालात आपको पता ही है। महिला अपराधों के मामलों में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, जहां FIR कराने के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है। अब इससे 2 ही बातें पता चलती है, शायद योगी जी को अपने राज्य के हालात मालूम ना हो, ज्ञानी ना हो कि वहां ऐसा कुछ भी चल रहा है, या फिर जानबूझकर खुद की ओर उंगलियां नहीं उठाना चाहते होंगे। खैर आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।